अच्छा अच्छा आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। बोल दिल्ली बोल में आज हम बात करेंगे बसों की सर्विसेज को लेकर के, क्योंकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान बसों की सर्विसेज में कमी ला दी थी। साथ ही आपको बता दें कि जो बसों में जो यात्रा करते हैं, जो यात्री होते हैं, उनमें उनकी संख्या में भी लिमिटेशन कर दिया गया था। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, हम इस वक्त बस स्टैंड पर ही खड़े हैं और इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं और ये लोग बसों का वेट कर रहे हैं। ये लोग घंटों तक यहाँ खड़े रहते हैं और बसों का वेट करते हैं, तो काफ़ी इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए इन परेशानियों को लेकर इन्हीं लोगों से बात करते हैं। बसें आ रही हैं लेकिन पीछे से ही फूल आ रही है, तो एक सीट छोड़ करके बैठा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और ज़रूरत से ज़्यादा टाइम भी लगता है। जी जी, थोड़ी सी ढील तो करनी चाहिए, सीट पर सीट तो कर ही देनी चाहिए, ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो और पब्लिक जो है अपना कहीं भी जाए आए तो डबल से भी ज़्यादा समय लगता है। रोज़ाना ही ट्रेवल करना पड़ता है मेरे को। एक्चुअली मेरे को जाना पड़ता है RR हॉस्पिटल, हम लोग वहीं काम करते हैं, सादरा से आना पड़ता है मेरे को। तो इन दिनों बहुत दिक्कत आ रही है। एक तो क्या है, इन्होंने कैपेसिटी कम कर ली है अपनी 50% जो ये लोग कह रहे हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी पे भी इनका असर है। जैसे गवर्नमेंट ने 50% करा था तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए थी, तो उसे अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। अगर सड़क पे आप देखें, मार्केट में अगर आप देखें, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं है, तो सारे इशू फिर बसेस के लिए क्यों है? और एक बात, वो जो क्यू लग रही है, जो लाइन लग रही है बसेस की, उसमें तो कोई वो डिस्टेंसिंग नहीं है। परेशानी तो यही मैम, अब काम पे पहुँचना, ड्यूटी पहुँचें कैसे? मेट्रो का गेट वैसे बंद कर दिया इन्होंने, 7 नंबर से एंट्री करते थे वो बंद कर दिया, अब यहाँ करें, यहाँ भी बस नहीं है। सरकार को चाहिए कि बस की सर्विस सही करे अपनी। अभी तो जस्ट मैं आई हूँ, लेकिन वैसे मैंने नॉर्मली, क्योंकि मेरा रोज़ का ट्रैवलिंग का है, तो रोज़ बहुत दिक्कत होती है मुझे। जैसे मुझे 9:10 पकड़नी होती है, तो वहाँ से मतलब मेरे सामने 10-12 चली जाती हैं, और भी फिर मुझे जान के फिर डेस्टिनेशन चेंज करना पड़ता है, कभी कोई 2-3 बसें लेके फिर मुझे अपने वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बसेज आती हैं, ऐसी बात नहीं है, बस तो आती है, और कई बार तो ऐसा होता है बस में सीट होती है और पता नहीं वो क्यों बसें निकाल के ले जाता है। हमने देखते हैं कि बस में सीट है, वो हमें बैठा सकता है, पर वो ऐसे करके चला जाता है। बसों की सर्विस को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि बसों की सर्विसेज इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हमें बस स्टैंड पर 1-1 घंटे खड़े रहकर बस का वेट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बस आने के बाद भी हम उसमें चढ़ नहीं पाते, क्योंकि उसमें लिमिट बढ़ जाती है, मतलब लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ हमने देखी, और ऐसे में उनका कहना है कि जब कोरोना काल को लेकर के जब सरकार ने अब छूट दे दी है, तो बसों में क्यों नहीं छूट दी है? कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा झा, ABN News दिल्ली।